झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख के इनामी नक्सली रामप्रसाद यादव को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माओवादी का सबजोनल कमांडर रामप्रसाद यादव बिहार और झारखंड में कई बड़े नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पलामू जिले के सीमावर्ती इलाके समेत बिहार में करीब दर्जनों नक्सली मामले उस पर दर्ज हैं। पुलिस की दबिश से घबराकर वो छतरपुर के इलाके में छिपने आया था, लेकिन पलामू पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे पलामू पुलिस ने धर दबोचा। विगत कई माह से नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और उसी अभियान का नतीजा है कि माओवादी का टॉप सबजोनल कमांडर रामप्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया है। रामप्रसाद यादव की गिरफ्तारी को पलामू पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पलामू पुलिस को नक्सलियों से संबंधित कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। उसकी निशानदेही पर पलामू पुलिस लगातार कई इलाकों में सर्च अभियान चला रही है।